तो भाई ये है हमारे ऐसे केक, ये कप केक, ये कौन सा लीसा? ये वही लेमन केक। सो भाई ये है, ये क्या मैदा? हाँ ये है मैदा, इसमें डाला मैंने अप्रॉक्सीमेटली 3 कप, मैदा 3 कप मैदा है ये अप्रॉक्सीमेटली। और और हेलो गाइस, मैं हूँ लड्डू, लड्डू जैन। तो वेलकम बैक टू माय चैनल लड्डू के ब्लॉग। तो भाई कैसे हो आप सब लोग? तो हाँ, तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो है काफी स्पेशल, क्योंकि मैं करूँगा बेकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। सो मैं बनाऊंगा लेमन टी टाइम केक, और मेरे साथ है मेरी दोनों बहनें जो करेंगी मेरी हेल्प केक बनाने में। तो बस, तो मेरी वीडियो जो थी थोड़ी लेट हो गई है, क्यों? क्योंकि मेरे चले थे एग्जाम्स और अभी भी चल रहे हैं। सो मतलब थोड़ा सा टाइम दो, फिर मतलब मैं वीडियो जल्दी जल्दी डालता रहूँगा, बस एग्जाम्स खत्म हो जाए मेरे। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना किसी देरी के। सो भाई बेकिंग का सबसे पहला रूल, मेरी ये टी शर्ट गंदी ना हो जाए इसलिए मैं पहनूंगा अपना ब्रांड न्यू एप्रन, मैंने अभी तक यूज ही नहीं करा है, जो आया था पिछली वीडियो में देखा होगा, अगर नहीं देखा तो जाके चेक करो। सो भाई ये है, ये क्या मैदा? हाँ ये है मैदा, इसमें डाला मैंने अप्रॉक्सीमेटली 3 कप मैदा, 3 कप मैदा है ये अप्रॉक्सीमेटली, और 2 कप तक चीनी, 2 कप चीनी। हाँ, और अब आगे क्या करना है? अब इसको मिक्स कर। हाँ बढ़िया है। अब दूसरे हम इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, अब इसमें हमें बेकिंग पाउडर डालना है, बेकिंग पाउडर ये रहा, एंड स्पून ले, नाम मत, बेकिंग पाउडर वन पूरा डाल दे, पूरी चम्मच डाल, यस हाफ मोर, यस कूल कूल। अब इसको मिक्स कर, ठीक है ना, अच्छे मिक्स कर लिया। नाउ हम इसमें डालेंगे वेट इंग्रेडिएंट्स, ठीक है? ये क्या आ रहे हैं? ये है मिल्क, इसमें हमने थोड़ा लेमन एक्सट्रैक्ट डाला है, और वनीला एसेंस, वनीला एसेंस हमने कम डाला है, हम थोड़ा डालेंगे। ओके, वनीला एसेंस की एक वो डालते हैं, ठीक है, मिक्स इट, ठीक है। वैसे क्योंकि क्रीम दूध है, थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं हम। अच्छा बनना चाहिए, कुछ भी डाल ले तो। हाँ हाँ बनता है, पहले भी नहीं बनाया है, ठीक है ना। हमने ये डाला, अब हमें डालना है थोड़ा ऑयल, थोड़ा नहीं काफी डालना है, मतलब कि अच्छा जो परफेक्ट बने हमारा। तो हमने बस कम भी, भाई मम्मी ने पिछली बार थोड़ा बढ़िया डलवाया था और ना काफी अच्छा बना था, तो हम इसको कर देंगे ऐसे मिक्स, ठीक है। अब इन वेट इंग्रेडिएंट्स को तेरे को ड्राई इंग्रेडिएंट्स में डालना है, ठीक है। तो गाइस अब मैं डालूंगा इस ड्राई इंग्रेडिएंट्स में वेट इंग्रेडिएंट्स, सारे डाल दूं ना एक बार? हाँ, मतलब कि ना साथ साथ स्टिर करता रहे। अच्छा, शुड आई हेल्प? मेरे को दे, ठीक है ना, स्टिर करता रहे, इतनी तेज नहीं, धीरे धीरे, पागल इंसान। ओके हाँ डाल, अच्छे से सारा कवर करना है, ठीक है ना। उसको ना साथ में ले, आसपास से ना ले। ओह माय गॉड, गंद कर दिया भाई इसने। थोड़ा सा ये अब नहीं होगा। अरे यार आर्यन, तू कैसे करती, तू भी तो ऐसी करती। क्या आर्यन, तूने गंदी तरीके से एक मेस बना दी है। रुक जा, हो जाएगा, चिपका दूंगा मैं सारा। साफ कर पहले इसे। तो भाई मैं यहाँ से देखो साफ कर चुका हूँ, पहली बार था तो थोड़ा सा तो गंदा हो ही जाता है, बेकिंग में तो मुझे वो नहीं है, माइंड मत करना ज़्यादा। तो बस मैंने इसको मिला लिया सारे ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट्स को, सो इसका कुछ बन थोड़ा सा मिल्क जो पड़ा उसको भी डाल दे, क्योंकि ये काफ़ी गाढ़ा है। और भाई धीरे करिए, सारा डाल दे इसे,
ठीक है ना भाई, और धीरे धीरे इसको, हाँ जल्द नहीं मचानी, हाँ बीच में हल्का धीरे धीरे कर, धीरे धीरे, हाँ इससे ये हर जगह से हो जाएगा। हाँ कर 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 कर, उसको इकट्ठा ना कर, वो ऐसे ही हो जाएगा। को देख देख, गिरे ना गिरे ना, नहीं गिरेगा, हो गया। और अच्छे से कर भाई, नहीं हुआ, इट शुड बी रनिंग कंसिस्टेंसी, हो गया। अच्छे से कर साइड से, अब इसको थोड़ा थोड़ा जो साइड में उसको ढूंढो अच्छे, हाँ यस हो गया, कूल, यू डन अ ग्रेट जॉब। तो इसमें थोड़ा सा डाले रिफाइंड करने में टाइम लगता है क्या? सो इसको ये प्रोसेस हो जाता है, बार बार इसको यूज कर सकते हो आप, कितनी बार मतलब मोस्टली डस्ट होता। कौन सा सॉल्ट है? सिंपल सॉल्ट होता है इसे। अच्छा, बस ये थोड़ा ना, क्योंकि हमने केक बनाया था तो ये चल गया है, तो इसी को फिर से हम यूज कर सकते हैं, ये रीयूजेबल होता है। आ चुके हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम, क्या आ चुकी है? बर्तन देखो खत्म है, हमारे पास हो चुका है बटर पेपर ख़त्म। पिछली बार बनाए थे इसने, लाई थी, बट ख़त्म तो नहीं, मिल नहीं रहा है, तो बस लेने चलते हैं। बट जो एंड मोमेंट के काम है मुझे ये पसंद है, बट खाना भी हमें बनाना भी हमें, तो बस लाना तो पड़ेगा ही, तो चलो लेने चलते हैं बटर पेपर। बाय। बस बनने वाला ही, बस मैं बटर पेपर लेने जा रहा हूँ। करेंगे तो अपनी सबसे पहली स्कूटी ब्लॉगिंग। तो देखो मैंने ना बस स्कूटी के हैंडल पे लगा चुका हूँ अपना ट्रैक, और तो देखते हैं कैसी होती है, गिरना नहीं चाहिए बस को। ये बटर पेपर दे दो। बटर पेपर? हाँ। ये क्या लगे घूम रहे? एक दे दो बस। एक क्या बना रहे बस है? नहीं बस YouTube पे वीडियो बनाने स्टार्ट करी अभी। भाई मैं बटर पेपर लेकर आ चुका हूँ। सो मैंने सोचा था कि आज मेरे पास फ्लेक्सी पॉड है, मैं इसको लाऊंगा अपनी स्कूटी पे, ताकि मैं स्कूटी व्लॉगिंग कर सकूँ। बट मैंने करी, मतलब काफ़ी सही रहा था, बट ये मैं अपना फ़ोन लेकर रहता था, मम्मी वाला लेकर जाता तो इसमें अल्ट्रा स्टडी मोड है, तो उससे मतलब बिल्कुल स्टिल रहता, बट उससे थोड़ा वाइब्रेट हुई थी स्कूटी की वजह से, तो कोई नहीं, बट बढ़िया था। नेक्स्ट टाइम ऐसे ही करूँगा, जब तक मेरे पास गोप्रो या कोई भी एक्शन कैमरा नहीं आता, तो बट मज़ा फुल आया। तो बस अभी मैं बटर पेपर लेकर आ चुका हूँ, और ये रही मेरी बहन, अब उसको क्या है, किस क्या क्या करना है, कटिंग करेंगे अब हम। तो बस हम कटिंग करेंगे जो बाउल्स है ना, वो केक के मोल्ड उसके मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग करेंगे। तो देखो
अच्छे से केक, ठीक है। तो हमारा ये पूरी तरीके से हमने रगड़ लिया, ठीक है ना, तो ये साइड साइड से मतलब कि पूरी तरीके से कवर हो जाएगा और चिपके। चल बनाते हैं दूसरे वाला भी, तो है अभी ये रहा। इसके तो मैं ऐसे काट दूंगी, ये देखो। सो भाई ये रहा हमारा बैटर, ये क्या है? ये विनेगर है, बिकॉज हमारा एगलेस केक है और हमारे को एक अच्छी ब्रेड चाहिए, सो विनेगर डालेंगे। एक बारी में डालकर ये बस हल्का हल्का सा इसको करना है, इसको ज्यादा नहीं करना क्योंकि ये कर्डल हो जाएगा। कर्डल मतलब? मतलब कि जेली सा बन जाएगा। अच्छा अच्छा, तो इसको बस हल्का सा करना है। ये रहा हो गया, वी आर डन। वो फाइनली अब वो मौका आ चुका है भाई, जल्दी बना दे, जा डाल दे सारे एक साथ डाल दे। पागल है ना तू, ठीक है हमने ये कर दिया, ठीक है ना, हाफ तक ही डाल देंगे बस। भाई ये पड़े हुए थे कुछ भी, पड़े हुए थे कुछ कप्स, मैंने सोचा इसके भी कपकेक्स बना देते हैं ना जी सर। इनकी डेकोरेशन कैसे करेंगे फिर हम? पता नहीं यार, देखो चल नॉर्मली बना लेंगे, अच्छे लगेंगे। हाँ टाटा, वाह ऊपर से डालने चाहिए था हमें। भाई ये है हमारे ऐसे केक, ये कप केक, ये कौन सा लीसा? ये वही लेमन केक, और सारी लेमन है, और वही टी टाइम केक है, तो साथ में चाय। बस अब चाय पियेंगे, खा लेंगे, अच्छे बने होंगे भाई। बस आज की वीडियो इतनी, केक काफ़ी अच्छे बने, दिखने भी अच्छे लग रहे, आपने देखा होगा। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट करना कि कैसे लगे आपको भी ये कपकेक्स और केक, और आप भी ट्राई करना, काफ़ी बढ़िया बनेंगे। तो बस जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। तो बस मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।